नमस्ते प्यारे साथियों, व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करने के बाद आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद क्या था और उत्तर व्यवहारवाद लेके कौन आए, क्या अध्ययन था कि उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता पर उन्हें विचार किया गया। इससे पहले हम थोड़ा व्यवहारवाद के बारे में जानते हैं और व्यवहारवाद जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति इसने अनुभावी और वैज्ञानिक के वैज्ञानिक के पद्धति के आधार पर मानव का विश्लेषण किया, ठीक है। तो व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में लाने का श्रेय दिया जाता है डेविड स्टन ने जो व्यवहारवाद की प्रेरणा साइकोलॉजिस्ट के विचारक वाटसन से। अब बात आती कि व्यवहारवाद है क्या, तो व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में व्यक्ति का जो मानव प्रेक्षित व्यवहार है उसके अध्ययन पर बल दे रहा है। हमने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में ये पढ़ा कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था वो सिर्फ संस्थात्मक था, यानी सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन पर बल दे रहा था, लेकिन व्यवहारवाद है उसने अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया, अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन पर बल दिया। उसके बाद अगर बात आती है कि व्यवहारवाद के राजनीति विज्ञान में इसका उद्भव कहाँ से हुआ, तो व्यवहारवाद है इसका उद्भव यूएसए से। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल था शिकागो स्कूल, ठीक है। शिकागो स्कूल से यानी व्यवहारवाद की शुरुआत होती है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक की बात करें तो डेविड स्टन, चार्ल्स विलियम लास्ट वेयर डेविड टूमैन और गार्सनेर आदि विचारक थे जिन्हें व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए राजनीति अध्ययन को बढ़ावा दिया। व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं थी, जैसे व्यवहारवाद किस पर बल दे रहा था, विज्ञान पर बल दिया, मानव का वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल, प्राथमिक आंकड़ों का महत्व, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन और सबसे बड़ी विशेषता थी
जो हमने परंपरागत राजनीति जो हमारा सिद्धांत था वो मूल्यों को महत्व दे रहा था, लेकिन नैतिकता मूल्य आदि आदर्शवादी अवधारणा की व्यवहारवाद ने आलोचना की, उसने राजनीति विज्ञान को एक मूल्य मुक्त अध्ययन बनाने का संकल्प किया, यानी मूल्यों की अवहेलना करता है व्यवहारवाद, मूल्यों की अवहेलना। व्यवहारवाद ने मूल्यों को महत्व नहीं दिया था, राजनीति विज्ञान को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने पर बल दिया। राजनीति विज्ञान को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान और राजनीति विज्ञान को एक शक्ति के विज्ञान के रूप में पेश किया व्यवहारवाद ने। ठीक है, तो इसके चलते व्यवहारवाद के बारे में हमने पहले भी एक क्लास में विस्तृत चर्चा कर ली, तो तमाम कमियां थी, इसके चलते राजनीति विज्ञान की चारों ओर आलोचना हुई, उसके चलते उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव हुआ, जिसका प्रतिपादक भी डेविड स्टेनी थे। डेविड स्टेन जो 1969 में अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें भाषण में उत्तर व्यवहारवाद का नारा देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन के रूप में है, न कि हम परंपरागत राजनीतिक तरफ लौट रहे हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे थे मुख्य, प्रासंगिकता और कार्य। तो उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में आने का मुख्य उद्देश्य था कि जो व्यवहारवाद था उसने राजनीति विज्ञान में मूल्यों की अवहेलना की और राजनीति विज्ञान को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने पर बल दिया, लेकिन राजनीति विज्ञान एक अनुपयुक्त विज्ञान विषय हो सकता है, वस्तुनिष्ठ संभव नहीं है। दूसरी बात, किसी भी समाज की आप कल्पना किसी भी कार्य कल्पना मूल्यों की अवहेलना सिद्ध नहीं होती। तो उत्तर व्यवहारवाद था तो उसने प्रासंगिकता पर बल दिया कि हम बहुत सारे ऐसे शोध जो व्यवहारवाद था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तथ्यों पर बल दिया, सिद्धांत निर्माण में कार्य किया, इनमें से बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया जिसमें समाज में इसकी कोई प्रासंगिकता भी नहीं थी। तो इसलिए चलते डेविड स्टेनी ने कहा कि हम ऐसा कार्य करें कि जो मानव में या समाज में जो घटित हो रही है जो संरचना है उनके बारे में, यानी उनकी प्रासंगिकता क्या है, कार्रवाई उन क्षेत्रों में हम कार्य करते हुए इसको विस्तृत अध्ययन करें। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वो मुख्य रूप से डेविड स्टेनी द्वारा प्रतिपादित है। तो हम उत्तर व्यवहारवाद की जो डेविड स्टेनी द्वारा बताई गई 7 विशेषताएं हैं जिनके बारे में प्रवृत्ति से पूर्व सार, यानी हमें ऐसा कार्य करना चाहिए समाज में जिसका कुछ महत्व हो, व्यवहारवाद था वो मुख्य रूप से सिद्धांत निर्माण पर बल दे रहा था। दूसरी बात, उत्तर व्यवहारवाद वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, यथास्थिति का समर्थक नहीं है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना, फिर समाज में जो समस्या है उनके निदान पर बल देता है कि ऐसे कौन से कारण है जिसके चलते समाज में समस्या उत्पन्न हुई है, या उन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करता है उत्तर व्यवहारवाद। तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद ने मूल्यों को बिल्कुल नकार दिया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्यों को महत्व दे रहा है।
बुद्धिजीवी है जो यानी उत्तर व्यवहारात्मक मूल्यों के बिना हम राजनीति विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मूल्यों को व्यर्थ दे रहा बुद्धिजीवियों की भूमिका को स्वीकार करता है। उत्तर व्यवहारवाद समाज में बहुत बड़ा योगदान बुद्धिजीवियों का भी होता है, वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। राजनीति विज्ञान को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है बनाते क्रमनिष्ठ विज्ञान पर बल देता है, अनुपयुक्त विज्ञान को महत्व देता है और व्यवसाय का राजनीतिकरण यानी राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञान की जो संस्थाएं हैं जैसे राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ अध्ययन, समाजशास्त्र के साथ अध्ययन यानी समाज के साथ जोड़कर विस्तृत राजनीति का अध्ययन करना, समाज की यानी समाज का मतलब शिक्षित अशिक्षित समाज या ऐसे समाज जो संपन्न है उनके बारे में चर्चा करते हुए कि राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, समाज का राजनीति में क्या रोल हो सकता है, ऐसे समाज जहाँ राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है उनमें समाज कैसे है, तमाम घटनाओं को समाजशास्त्र के साथ जोड़कर अध्ययन करने को बल दे रहा है। यानी व्यवसाय का राजनीतिकरण समाजशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ, भूगोल के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ आदि के साथ विस्तृत अध्ययन पर बल देता है। यानी उत्तर व्यवहारवाद उसके चलते हम इसके बारे में दोनों का व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में कुछ कंपैरिजन करेंगे। तो आप यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में कुछ से दोनों में तुलनात्मक अंतर करते हैं। जो व्यवहारवाद था उसका मुख्य उद्देश्य शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से था, ये सिद्धांत निर्माण पर बल दे रहा था। सिद्धांत यानी जिस प्रकार समानता है, अधिकार है, न्याय है आदि पर बल, इन सिर्फ सिद्धांतों से सरोकार रखता शुद्ध ज्ञान पर बल। उत्तर व्यवहारवाद था इसमें अनुपयुक्त ज्ञान यानी व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया गया, मानव व्यवहार पर, यानी जो वाक्य में उन घटनाओं का विशेष अध्ययन हमारे को करना चाहिए जो समाज को प्रभावित कर रही है। ये ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास करते हैं शुद्ध ज्ञान के लिए, कौन व्यवहारवाद ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास। उत्तर व्यवहारवाद था जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति ज्ञान की प्रासंगिकता पर समस्या समाधान की कार्रवाई में मांग करते हैं। यानी व्यवहारवाद था उसको सिर्फ ज्ञान से मतलब था, शुद्ध ज्ञान के लिए यानी सिद्धांत से समाज में क्या समस्या घटित हो रही है उसके बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया। उत्तर व्यवहारवाद ये थे कि सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनका समाधान कैसा किया जाए, उन प्रकार वही पर बल देता है कि हम कार्य करें नए की सिद्धांत का निर्माण करें। व्यवहारवाद था वो मुख्य रूप से छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कर रहा था, समाज में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन पर बल दे रहा था। उत्तर व्यवहारवाद बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन को महत्व दिया गया। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता मूल्यों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया, मूल्यों को राजनीति सिद्धांत से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। इसके चलते इसकी आलोचना चलते उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों को महत्व देता है, यानी राजनीति विज्ञान मूल्यों का महत्व है उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद था वो समाज में इच्छित तरह को परिवर्तन का समर्थन नहीं करता था और यथास्थिति का समर्थक था, या समाज परिवर्तनशील नहीं है, उसके जो संस्थाएं हैं जो कार्यशैली है उसमें किसी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रखता था यथास्थिति का। और उत्तर व्यवहारवाद है जो परिवर्तन को महत्व देता है, यानी समाज में जो घटित होने वाली उन परिवर्तनों को वो अध्ययन पर बल देता है उत्तर व्यवहारवाद। अब आगे हम इनके बारे में अब हम इन दोनों के तो तीन चैप्टर हमने पढ़े उनकी थोड़ी बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं। तुलना जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था वो तथ्य और मूल्य दोनों को महत्व देता था, तथ्य और मूल्य दोनों का महत्व था। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था वो मुख्य रूप से आदर्शवादी था, मानकीय था और उसमें आत्मनिष्ठता थी यानी लेख केंद्रित था और गुणात्मक यानी असमानता और असमानता पर भी बल दे रहा था। मुख्य रूप से जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था वो यूरोप केंद्रित था, यानी यूरोप के संदर्भ में इसका अध्ययन या यूरोप केंद्रित बोल सकते हैं, यूरोप के संदर्भ में अध्ययन किया जिसके प्रतिपादक हम प्लेटो को मान सकते हैं
प्लेटो एक प्रमुख आदर्शवादी विचार था और उसको प्रथम सम्मेलन के दार्शनिक भी कहा जाता है। व्यवहारवादी क्रांति का उद्गम पढ़ लिया। व्यवहारवाद मुख्य रूप से मानव व्यवहार का प्रवेक्षित अध्ययन प्रबल देता है। मानव अध्ययन जो मानव है उसकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखा हुआ है, उन पर अध्ययन करते हुए इन निर्णय देता है कि व्यक्ति किन किन परिस्थितियों को या किन मुद्दों पर राजनीति को प्रभावित होता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। सिर्फ व्यवहारवादी हैं, उन्होंने तथ्यों पर बल दिया, जैसे जेम्स प्राइस की पुस्तक मॉडर्न अमेरिकन डेमोक्रेसी सबसे आवश्यक है, तथ्य तथ्य यानी तथ्यों का सरोकार रखता है, मूल्यों को महत्व नहीं देता है। व्यवहारवादी दोनों को अलग अलग मानता है कि मूल्यों का राजनीति विज्ञान में कोई महत्व नहीं है। दूसरा, ये आदर्शवादी कल्पना को महत्व नहीं देता है। राजनीति विज्ञान को एक मुख्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मनाता है, वस्तुनिष्ठ ज्ञान मनाने में तुलाव है, परिणात्मक है, नैतिक गुणात्मक है, मात्राओं पर बल दे रहा है, केवल समानताओं पर बल देता है। ये मुख्य रूप से जो व्यवहारवादी है ये आंग्ल अमेरिका यानी यूके और यूएसए से संबंधित रहा और इन्हीं राष्ट्रों के अध्ययन तक सीमित रहा। जिसके तीसरा जो हमारा उत्तर व्यवहारवादी है, जिसमें तथ्यों मूल्यों का दोनों का महत्व स्वीकार किया गया कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों का भी अपना एक महत्व होता है। जो मानवीय दृष्टिकोण यानी मानव की तमाम समस्याओं पर पैनी नजर रखते हुए उनकी समस्या निदान पर विस्तृत अध्ययन बल देता है। जो उत्तर व्यवहारवादी गुणात्मक और परिणात्मक दोनों हैं और इसका संबंध विश्व के तमाम देशों से वैश्विक दृष्टिकोण रखता है, जो पिछले राष्ट्रों के भी अध्ययन पर महत्व देता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।